हाय एवरीवन, इट्स मी देसी गर्ल फ्रॉम कनाडा। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आप मेरे साथ चल रहे हैं सडबरी, और सडबरी का टूर हमारा कुछ लंबा होने वाला है क्योंकि काम काज तो कुछ है नहीं करने को, तो घूम फिर के ही हम अपना टाइम पास करते हैं। सो बिल्कुल हम सडबरी जा रहे हैं सिस्टर के घर और नेफ्यू से मिलने के लिए। लेट्स गो। वेल, सडबरी का जो रास्ता है टोरंटो से आई थिंक 404 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 4 आवर्स की ड्राइव है। और रास्ते पे हमें कुछ भूख लग रही थी तो हम बार बरीटो पे स्टे किया। हमने वहाँ से मज़े का बरीटो लिया और साथ में कॉफ़ी ली और ड्रिंक ली, और अब हम दोबारा से चल पड़े हैं और बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता रह गया है और ये हम आ गए। खैर, घर आते साथ ही मैं किचन में गई और मैंने देखा कि यार मेरे आने की खुशी में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। सो खैर, सिस्टर ने बहुत ही यमी चिकन चिली ड्राई और चाइनीज़ राइस बनाए थे। आई लव चाइनीज़ फूड और मेरी सिस्टर माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अल्लाह ताला इनके हाथ सलामत रखे। खैर, भूखों की तरह मैंने ढेर सारा चिकन लिया और थोड़े से राइस लिए और मज़े से खाया। बहुत मज़ा आया सबके साथ बैठ के खाना खाने का, और खाना बना भी बहुत अच्छा था। खैर, खाना खाने के बाद मैं बाहर आई। बाहर आके मैंने थोड़ी सी वॉक की और ठंडी ठंडी हवाओं को इंजॉय किया। सडबरी का जो मौसम था वो बहुत मज़े का क्लाउडी सा वेदर था और बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। खैर, आई वॉज क्रेविंग समथिंग स्वीट, तो मुझे मीठे में चीज़ केक मिला, मेरा फेवरेट चीज़ केक। खैर, हमने चीज़ केक और मौसम दोनों को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और अब नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है और हम बना रहे हैं बिरयानी। और आज जो है वो एक बिरयानी नहीं बन रही, आज चिकन और मटन दोनों बिरयानियाँ बन रही हैं, और स्पेशली नौवीं मुहर्रम की नियाज के लिए ये बिरयानी जो है वो तैयार की जा रही है। जब हम पाकिस्तान में होते थे तो सबील बनाई जाती थी, तकसीम की जाती थी, और न्याज के लिए बहुत बड़ी बड़ी देगें बनती थी और बहुत ज़्यादा लोग आते थे, बहुत ज़्यादा लोगों को तकसीम की जाती थी। कनाडा में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग, एक तो सडबरी में मेरी सिस्टर न्यू है, सो वी डोंट नो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हेयर, बट स्टिल हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे जहाँ तक हमारी न्याज पहुँच सके हम पहुँचाएँ। चिकन बिरयानी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और इसकी हम लोगों ने 9 बॉक्सेस बनाए हैं और ये अभी हम जाकर तकसीम करेंगे। अब हम तैयार करने लगे हैं मटन बिरयानी। हमने चावल भिगोए हैं और मटन को हम बॉईल करेंगे, उसकी यखनी निकालेंगे। मटन बिरयानी के लिए स्पेशली शान का मटन बिरयानी मसाला बहुत अच्छा है और इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है बिरयानी में। खैर, हमारी मटन बिरयानी भी तैयार हो गई है और इसी तरह हम इसे बॉक्सेस में डालेंगे और इसे जो है वो तकसीम करेंगे। आज की वीडियो बस इतनी ही थी, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने दोबारा आऊँगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब मी फॉर मोर वीडियोज़। दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडे। बाय बाय।